कहाँ बिल्डिंग में जाऊंगी, 5,000 रुपया मांग रहा किराया, कहाँ से दूंगी मैं, कहाँ करूँ। बैठती है कहीं कहीं पार्क में, भर भर दिन प्रिया के पार्क गमाती है। वोटों के लिए उन्हें वोट चाहिए थे तो वो बेटे बनते हैं, भाई बनते हैं। आज मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी कहाँ सो रहे हैं, ये सबके सब लोग सड़क पे आकर बैठ गए हैं, सबको घरों से इन्होंने बाहर कर दिया है। आर्मी वालों ने हम लोग को पकड़ पकड़ के, औरतों ने पीटा हम लोग को, निकाला हमारे बच्चे भी, कॉपी किताब हमारे बच्चों की सारी दब चुकी थी। बच्चे लोग इतनी परेशान है कि हम आप लोग कितने सालों से आप लोग रह रहे थे वहाँ पर? मैं वहाँ पे 2000 साल हो गया, मुझे 20 साल पूरे हो गए। मेरे पीछे भी आप तमाम महिलाओं को देख रहे होंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले तक इनके पास घर हुआ करता था, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है और इसीलिए ये लोग दिल्ली के INA पर हैं और ये लोग DDA मुख्यालय में जाएंगे और वहां पर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो ये तख्ती दिखाई दे रही है, केंद्र और दिल्ली की सरकार चुप्पी तोड़ो, दिल्ली के मेहनतकश बेघर क्यों जवाब दो। केजरीवाल सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों सरकारें तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं TV मीडिया के कैमरों के सामने, लेकिन सच ये है कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो बेहाल है। जो घर था इन लोगों ने एक एक रुपये जोड़ करके घर बनाया था, लेकिन उस इनके आशियाने को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कहाँ रहती थी आप? प्रिया कैम, गांधी कैम, वसंत कुंज में। हाँ, वसंत कुंज। क्या वसंत विहार में? हाँ। क्या कुछ कहा गया जब बुलडोजर आया? बुलडोजर आ रहा तो बोले कि आपको घर मकान दिए जाएंगे सारे, हमारे जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा आपको, और हमारे धोखे से कागज भी लिए, आधार कार्ड जैसे, पहचान पत्र है, बिजली बिल भी है, तो धोखे से लिया गया। उनने जो फौजी वाले रह रहे हैं उनने लिए और बोला कि आपको हम घर मकान देंगे, तो अपना सारा प्रूफ ले लिया, साइन भी करा लिया हमसे, और बोले आपको मकान दिए जाएंगे। उसके बाद ना हमें कोई घर मिला है ना कोई मकान मिला, और धोखे से हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। कब तोड़ा झुग्गियों, कब तोड़ा था इन लोगों ने? 16 तारीख को, 16 जून को। हाँ, मतलब लगभग 13-14 दिन हो गए। हाँ, कोई भी अभी तक आपको रिलीफ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जहाँ जहाँ बोल रहा जाने के लिए वहाँ भाग रहे हैं, जा रहे हैं, रैली में भी जा रहे हैं, और ना कोई सरकार हमें मदद भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, और जहाँ जहीं भी भाग रहे हैं। क्या जो सांसद BJP के, उनसे कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई है किसी की? नहीं हुई कोई मुलाकात नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हर जगह गए हम लोग, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जहाँ झुग्गी वही मकान, जो सरकारें हैं तो कहती रहती हैं। हाँ, उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, बोर्ड लेने आते हैं तो यही कहते हैं। अब हम लोग के झुग्गी, आर्मी वालों ने हम लोग को पकड़ पकड़ के, औरतों ने पीटा हम लोग को, निकाला हमारे बच्चे भी, कॉपी किताब हमारे बच्चों की सारी दब चुकी थी। बहुत सर हम परेशान है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ऐसे ही जहाँ तहाँ रह रहे हैं, कोई किसी के घर में रह रहा, कोई ऐसे भरोसे में एक दूसरे के यहाँ पड़े हैं हम लोग, कोई सहारा नहीं मिल रहा अभी हम लोग। तो वहाँ पर जितने लोग रहते थे सभी लोग घर तोड़ दिए गए कि जाति देख करके कोई दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है? सारे सारे घर एक भी नहीं छोड़ा, सब तोड़ दिए गए। पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की और आर्मी वालों ने की, सब ने पकड़ पकड़ के सुबह 4 बजे से ही निकालना चालू कर दिया, फेंकना। नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? कुछ नहीं दिया गया। नोटिस था हमारा, दो MDRF ने दिया था, कोर्ट से नोटिस नहीं था। हमें NDRF ने बोला गया कि 2 तारीख के था, फिर 2 से फिर हमें 12-13 दिन की टाइम मिला था, 15 तारीख तक का। तो अब 15-16 को टूट गई हमारी झुग्गी, 16 को टूटे सुबह। कितनी झुग्गी कितनी टूटे होंगी, 10-20-150? नहीं, 100 झुग्गी था, 100 झुग्गी तोड़ दिया गया, 100-150 झुग्गी थी। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग इधर उधर रह रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई फ्लाई ओवर के नीचे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब रह रहे हैं। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग किराए पे 8,000-9,000 हम किराया दें, हम कहाँ से देंगे? हम बच्चे पालें या क्या करें? हमें एकदम अचानक से पहले बोला गया कि हम तुम्हें घर देंगे, हमने सारी ID उनके पास जमा कर दी, एंड टाइम पे हमसे एक खाली करवा दिया गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई नहीं आ रहा है शासन प्रशासन का आदमी? कोई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दे रहा है ना कोई आ रहा है। बच्चे लोग इतनी परेशान हैं कि हम आप लोग कितने सालों से आप लोग रह रहे थे वहाँ पर? मैं वहाँ पे 2000 साल हो गया, मुझे 20 साल पूरे हो गए। बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सब कुछ कुछ है सर? बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है। केजरीवाल तो कहते हैं हमें दिल्ली के बेटे हैं, लेकिन दिल्ली की जो उनकी असल माएँ हैं वो तो सड़कों पर हैं।
हाँ वो तो सड़क पर तो बैठा ही रहे हैं, हमारे तो बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ वही सरकार ने 2,500 रुपया भेज रहा है। कहाँ बिल्डिंग में जाऊंगी, 5,000 रुपया मांग रहा है किराया, कहाँ से दूंगी मैं, कहाँ करूँ। बैठती है कहीं कहीं पार्क में, भर भर दिन प्रिया के पार्क गमाती है। वोटों के लिए उन्हें वोट चाहिए थे तो बेटे बनते हैं, भाई बनते हैं। आज मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी कहाँ सो रहे हैं, ये सबके सब लोग सड़क पे आकर बैठ गए हैं, सबको घरों से इन्होंने बाहर कर दिया है। जब आप कहते हो कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो इन लोगों को क्यों सड़कों पे लाया गया? आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कहाँ पे हैं केजरीवाल जी? आज ये माए रो रही हैं, इनसे आके पूछिए जरा, देखिए इनको अगर बेटे हो तो इनके लिए घर की व्यवस्था। सवाल यही है, केजरीवाल खुद को कहते हैं दिल्ली के बेटे हैं, जो दिल्ली की माताएं बहनें हैं उनको कोई समस्या ना होने पाए, लेकिन जो माताएं रो रही हैं तो क्या केजरीवाल इन आंसुओं को देख करके बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या केजरीवाल आंसुओं को देखने के बाद भी अपने एसी रूम में रहेंगे, 16 डिग्री टेम्परेचर में ही मौज काटेंगे, या फिर आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो सड़कों पर है उनसे बातचीत करेंगे, उनका दुख दर्द जानने के लिए सड़कों पर आएंगे? बड़ा सवाल यही है। और देखिए तमाम लोग हैं जो वसंत विहार से आए हुए हैं, तमाम बच्चियाँ हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास अब घर नहीं, इनके घर और मकान को तोड़ दिया गया है, नोटिस नहीं दिया गया था। एकाएक तमाम पुलिस वाले आते हैं, इसके साथ ही तमाम लोग और आते हैं, इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से इनको बेघर किया गया है, इस पर आपकी क्या राय, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।